Assalamualaikum dear viewers, I am Shah Jis, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about assumptions of the law of variable proportion. Last video jo maine upload kiya tha, wo kiya tha maine, bas law of what does law of variable proportions mean. Aaj hum uske assumptions par baat karne ja rahe hain. Jo pehli assumption hai, wo hai production function is a variable proportions type. पहली assumption हमें क्या बताती है, production function is a variable proportions type. Production function क्या होता है ये भी मैंने बताया, variable क्या होता है ये भी मैंने बताया. याद रखने के लिए अगर आप लोगों ने वो वीडियो पढ़ा और याद रखा होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी, समझने में आसानी होगी. What does production function mean? फिर से आप लोगों को बताते चलूं, production function is a functional relationship between physical inputs and physical outputs. Out variable के बारे में मैंने आपको जानकारी दी. What does variable mean? Variable means which changes with the passage of time. So stay tuned with me for the sake of simplicity. Production function is a variable proportions type. Production function जो है ये variable proportions type होता है. So that output can be increased. क्या होगा? Output को हम increase कर सकते हैं only by combining more of the variable factors. Output को हम increase कर सकते हैं किससे? हमें क्या करना होगा? Variable factor जो है combine करने होंगे किसके साथ? फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तब जाकर हमारी आउटपुट जो है इंक्रीज होगा. ये रही पहली प्रॉपर्टी. फिर से आप लोगों को बताते चलो, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ वेरिएबल प्रोपोर्शनस टाइप. प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये वेरिएबल प्रोपोर्शनस टाइप का होता है. सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज. आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं ओनली बाय कंबाइनिंग मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स. हमें वेरिएबल फैक्टर कंबाइन करने होंगे किसके साथ? फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तब जाकर हमारी आउटपुट जो है इंक्रीज होगा. ये रही पहली प्रॉपर्टी, सॉरी एजम्पशन. सेकंड एजम्पशन इज सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड. कुछ फैक्टर जो है फिक्स्ड होते हैं. सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज. आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. ये अपने ये एजम्पशन पे हमें यही बताता है कि आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, तब हमें क्या करना होगा, उसके लिए इंक्रीज करने होंगे वेरिएबल फैक्टर. किसके साथ? फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करना होगा, तब जाकर हमारी जो आउटपुट है इंक्रीज होगा. सेकंड, थर्ड एजम्पशन जो है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. फिर से आप लोगों को बताते चलूं, स्टे ट्यून्ड विद मी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द लॉ. ये एक बहुत ही जरूरी एजम्पशन ऑफ द लॉ है. कौन सी? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होनी चाहिए. ये एक जरूरी, एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है. किसके? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल. ये थे तीन एजम्पशंस, ये एग्जाम में आ सकता है. व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल.